Very good morning to all of you class. Welcome to TSN English School. Today we'll be starting the first chapter from your book Vistas, and the chapter name is Third Level. Before starting with this, I would like to tell you about the chapter or the previously what we have read in our chapter, that a person whose name is Charles. He is in hurry of to reach his home and just wanted to get home to Lucia, his wife. But during that period, there is an incident happened with him and he consulted his friend who is a psychiatrist. So let's read from here this paragraph. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps. I did not pass a soul. Then I heard the sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and come out on the third level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer tickets, windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eyeshade and long black sleeve protectors. The light were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. So here in this paragraph, the Charles जो है वो कहता है कि जैसे ही मैं ग्रैंड सेंट्रल पहुंचा और वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट. जिस कॉरिडोर में से उसने स्टार्टिंग करी थी. एक्शन ऑफ स्पोर्ट ऑफ फिशिंग विथ जोक. सो एंगलिंग लेफ्ट इस ऐसा वो कॉरिडोर था एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ स्लांट में था. एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. उसे लगा ये सब गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. वो चलता रहा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप. वहाँ पे किसी और की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ मेरे पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी. एंड आई डिड नॉट पास अ सोल. और ऐसा लग रहा था कि उसके पास से कोई भी व्यक्ति, पास अ सोल मीन्स कोई भी व्यक्ति उसके आसपास से गुजरा नहीं. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस. उसके बाद उसे एक हॉलो रोर या ऐसी आवाज़ सुनाई दी दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. और फिर ओपन स्पेस और जैसे लोग बात करते हैं ओपन स्पेस में, ऐसी आवाज़. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. फिर टनल जो है वो शार्पली लेफ्ट की तरफ टर्न हो गई. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. कुछ सीढ़ियों से वो उतरा. एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. एक सेकेंड के लिए उसे लगा कि वो वापस सेकेंड लेवल पे आ गया है. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज. उसने देखा थर्ड लेवल का रूम थोड़ा छोटा है, यहाँ पे कम टिकट विंडोज हैं. And train gates and the information booth in the center was wood. Train के gates और information booth जो हैं उनके जो center हैं वो wooden material के बने हुए हैं. And old looking, पुराने लग रहे हैं. And the man in the booth wore a green eye shade. और जो booth पे man खड़ा था उसने green eye shades, long black sleeves के protectors पहने हुए थे. The lights were dim and sort of flickering. जो lights थी वहाँ पर dim थी. And flickering here means flashy और gleamy थी. Then I saw why they were open flame gas lights. और then उसने देखा कि why there is open flame gas lights. Now students move on to next page. There was brass spittoons on the फ्लोर. तो फ्लोर पर वहाँ पे ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे, या जिन्हें आप कह सकते हैं स्पिटून्स आर व्हाट, जहाँ पे स्पिट किया जा सकता है. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉज माय आई. और स्टेशन पे एक ग्लिंट ऑफ लाइट, ग्लिंट मीन एक शाइनी, ऐसा लगा लाइट की शाइन जो है वो उसकी आईज पर आकर रुकी. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक मैन ने अपने पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाली. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. उसने उसका कवर जो है
वो उसको कट किया, ग्लैंस एट वॉच एंड फ्रोन्ड, उसने अपनी वॉच को देखा एंड शो एंगर एंड सीरियसनेस. फ्रोन्ड हियर मीन्स व्हेन समबडी शो एंगर एंड सीरियसनेस. ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फोर बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स. उसने एक डर्बी हैट, डर्बी इज अ स्पोर्ट्स, सो डर्बी हैट पहनी हुई थी जिसपे फोर बटन्स थे. ब्लैक सूट पहना हुआ था विथ टाइनी लेपल्स. टाइनी लेपल्स मीन्स कोट का मुड़ा हुआ कुछ पार्ट. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उसके पास बड़ी सी उसके पास मुस्टैचेस भी थी. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. और जब उसने देखा कि हर कोई स्टेशन पे ऐसा लग रहा था जैसे 1890 में, 1890s में लोग ड्रेस्ड अप होते थे, वैसे ड्रेस्ड अप हो रखे हैं. आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ. मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे थे जिन्होंने इतनी बियर्ड्स या जिनके इतने फैंसी मुस्टैचेज हैं लाइफ में. वुमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत जो है वो ट्रेन गेट से वॉक करती हुई आई. शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी विथ जिसमें मटन स्लीव्स, स्लीव्स रिक्वायर अ यार्ड और टू मच फैब्रिक विच वर पॉपुलर इन दोज डेज 1890s, तो उनको मटन स्लीव्स कहते थे. एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसने अपने हाई बटन शूज़ के ऊपर स्कर्ट्स पहनी हुई थी. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, इस सब के अलावा ट्रैक्स पे चलते हैं. आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, वेरी स्मॉल कुरियर, कुरियर उसने लोकोमोटिव भी देखा वहाँ पे, एक स्मॉल सा कुरियर. ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एक ईव लोकोमोटिव जिसमें फनल शेप स्टैक मींस जिसमें कुछ बहुत सारा रखा हुआ था, अ लॉट ऑफ समथिंग. एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू न्यूज बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. वो ये सब कुछ ये करने के लिए कि वो सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, टू मेक श्योर दैट, वो एक न्यूज़ बॉय के पास गया. वहाँ उसने उसे देखा कि वहाँ पे स्टैक ऑफ पेपर्स रखे हैं एट हिज फीट. इट वाज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, और वो ऐसा लग रहा था, उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, द वर्ल्ड हैज़ बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स. अगर वो रियलिटी की बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में, ये न्यूज़पेपर बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ है. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लिवलैंड, और उसमें एक लीड स्टोरी थी जिसमें प्रेसिडेंट क्लिवलैंड के बारे में लिखा था. आई हैव फाउंड द फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, इसका फ्रंट पेज मैंने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में देखा है. एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894, और न्यूज़पेपर पे जो डेट लिखी थी दैट इज़ June 11, 1894. I turned toward the ticket window knowing that here on the third level at Grand Central. वो कहता है कि ये सब देख कर वो टिकट विंडो की तरफ गया कि वो और जानने कि what is a Grand Central third level. I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in United States we wanted to go. टिकट्स में ये लिखा हुआ था, और वो ऐसे टिकट्स खरीदना चाहता था जिसमें ल्यूसिया और वो US में कहीं भी आ जा सकें. इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनियस, वो क्या चाहता था 1894 में, दो टिकट चाहता था गेल्सबर्ग इलिनियस के लिए. हैव यू एवर बिन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, क्या तुम वहाँ कभी गए हो, ये आज भी उतना ही वंडरफुल टाउन है. विद बिग ओल्ड फेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मेट ओवर हेड एंड रूफ्स ऑफ द स्ट्रीट्स, वहाँ पे बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस हैं, बड़े लॉन्स हैं, और बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनकी ब्रांचेस आपस में रूफ्स तक आती हैं. एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, 1894 में अभी जो समर इवनिंग्स होती हैं उनकी डबल इवनिंग्स ऐसा लगता था, इतनी लंबी होती थी. एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन में बैठ जाते थे. योर इवनिंग लंबी होने का मतलब है पीपल हैव लॉट्स ऑफ लेजर टाइम. द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, लोग सिगार्स पीते थे और चुपचाप बैठते थे. द वुमेन वेविंग पाम लीव फैंस, वुमेन जो है वेव करती थी, जो पाम लीव होते हैं उनकी जूट पाम के
जो लीव्स होते हैं उनके फैंस को वेव करती थी, विथ फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और सब जगह फायर फ्लाइज उड़ते रहते थे, इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और कितना शांति प्रिय माहौल हुआ करता था। टू बी बैक देयर विथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं 20 साल बाद पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उसमें पहुंच गया हूँ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो फ्यूचर में 40 ईयर्स बाद होने वाला है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मुझे 2 टिकट्स उसके लिए चाहिए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल बी कंटिन्यूइंग आर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ द 3rd वीडियो इन द योर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।